जाएंगे, आप रोइए मत, घर पहुंच जाएंगे आप। जिनके पास बैग में खाना रखा था उनने खाना खाया और पुलिस वाले लोग पानी बांट रहे थे, पानी लेने गए तो वो डंडा मार के भगा रहे थे, पानी भी नहीं दे रहे थे। मैडम यहाँ मुझे भूखे मरना कौन सी, बाल बच्चे के साथ रहना ना, अपना बैग तक छोड़ के आ गए ऐसा हमारा। बैग भी नहीं है आपके पास? नहीं। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज देश को लॉकडाउन में गए हुए, कोरोना लॉकडाउन में गए हुए 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में देश की तमाम सड़कों पे जो हमने नज़ारा देखा वह दिल दहलाने वाला है, दिल को तार तार करने वाला है, इंसानियत को रुलाने वाला है। हमने देखा कि लाखों लाख लोग, भारतीय नागरिक जो हमारे और आपके देश को बनाते हैं, हमारे और आपके शहर को चलाते हैं, वे मजबूरी में भागे भागे फिर रहे थे। इसने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं और लॉकडाउन के बाद ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इससे जो मौतें हो रही हैं, उनके बीच कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ खड़ा है देश। हमने बातचीत की प्रवासी मजदूरों से जो किस तरह से भाग भाग के किसी भी तरह से भी गांव जाना चाहते हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों से माफ़ी मांगकर अपने हाथ धो लिए, सैनिटाइज कर लिए। उन्होंने एक पल नहीं सोचा कि ये जो मजदूर जा रहे हैं इनको तुरंत कोई रिलीफ मिलनी चाहिए, इनको खाना मिलना चाहिए, इनको गांव तक पहुंचाना या शहरों में रहने के लिए तुरंत इंतज़ाम किए जाने चाहिए। न प्रधानमंत्री ने सोचा, न किसी मुख्यमंत्री ने सोचा। हम और आप जब बात कर रहे हैं तब हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। बरेली जब लोग पहुँचे, जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, उनको किस तरह से बैठा कर किस केमिकल से धोया जा रहा है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है, हमें पता नहीं। इसी तरह के वीडियो बिहार से आ रहे हैं कि जो मजदूर आए हैं उनको किस तरह से बाड़े में रखा गया है। एक बात बिल्कुल साफ है, 6 दिनों में ये तय हो गया कि देश की सरकार को गरीबों की परवाह नहीं, उन्हें ये बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि जो देश का गरीब है वह कोरोना से मरेगा तो क्या होगा। कोरोना क्या सिर्फ मिडिल क्लास को ही प्रभावित करेगा, देश का गरीब क्या इससे बाहर रहेगा? जिस तरह की उदासीनता दिखाई दे रही है वह निश्चित तौर पर क्रिमिनल निग्लिजेंस है, आपराधिक चुप्पी है, आपराधिक अनदेखी है देश के नागरिकों के प्रति। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, हम काम करते हैं राजमिस्त्री का। मुझे जाना है जिला बदायूं फैजगंज बैठा, ठीक है। मुझे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, आगे मारा मुझे डंडा भी परसों, देखो पूरा डंडा ऐसा मारा, ये देखो पूरा और रपटा रपटा के मारा। कहाँ पर? आगे मतलब ये जो है क्या नाम है, आनंद विहार। हाँ, आनंद विहार बस अड्डा, उसके अंदर। अभी क्यों जाना है? अभी तो सरकार कह रही है कि 21 दिन तक नहीं जाना चाहिए। मैडम यहाँ मुझे भूखे मरना कौन सी, बाल बच्चे के साथ रहना ना, अपना बैग तक छोड़ के आ गए ऐसा हमारा। बैग भी नहीं आपके पास? नहीं। फिर आप कैसे जाएंगे? आप मेरे पास खाली किराया, बस किराए से चले जाएंगे या पैदल चले जाएंगे, पैदल भी जाने नहीं दे रहे। हाँ, यहाँ के हमारे छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे यहाँ मर जाएंगे तो मट्टी कौन देगा, वहाँ जाएंगे तो मट्टी तो मिल जाएगा मुझे दो मूड, यहाँ कौन, यहाँ तो लवारिस के तरीके कहीं फेंक देगा। रहते कहाँ थे आप? बोल तो रहे हैं पुरानी दिल्ली बर्फ खाने आज़ाद मार्केट विक्रम गली। 18 साल से? हाँ। तो 18 साल में कोई दोस्त नहीं हुए यहाँ पे जो आपकी मदद कर सके रहने में? हैं, कोई दोस्त नहीं? दोस्त के पास जाते तो दोस्त के पास जाने देते, कबीर नगर में रहते हमारे गांव के, उसका यहाँ अपना मकान है, उसके बाप मुझे भाई मान बेटा मानते हैं, उसका बेटा मुझे भाई मानते हैं, वहाँ भी जाने नहीं दे रहे। मैं तो वाराणसी से हूँ, बनारस से हूँ, आया था दिल्ली में 22 तारीख को आया था। मैं सोचा कि एक दिन के लिए लॉकडाउन है और दोस्त के पास अपने आया था, मैं सोचा थोड़ा घूम लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आया तो अभी कल न्यूज़ में देखा, आज तक में 1000 बस बोल रहा था आनंद विहार से निकली और जैसे तैसे करके मैं गुड़गांव से आया इधर। इधर आने के बाद मतलब ऑटो मिला, बस मिला, आनंद विहार तक मैं आया। सुबह से 15-20 बस इधर आपका गोरखपुर के लिए गई, हर जगह के लिए बस गई, बनारस और चंदौली के लिए एक भी बस नहीं अवेलेबल हुआ।
मैं पूछता रह गया सर एक भी बस जाएगी, हाँ जाएगी जाएगी बोल के हम लोग लाइन में था। अगर सर जब नहीं जाना था तो टोटली ब्लॉक करना था तो बीच में 24 घंटे का अल्टीमेटम देने से क्या मतलब है? आदमी वही सोच के रूम निकल गया, मैं भी अभी गुड़गांव कैसे जाऊँगा? कैसे यहाँ पे पहुँचे आप? यहाँ से आया हूँ किसी तरह पैदल पैदल और ऐसे चलते पैदल आए। मम्मी इतना पैदल चल रही है? धीरे 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 मैम बैठ बैठ के आए हैं। कब चलना शुरू किया? सुबह से शुरू किया। वो बहन है तुम्हारी? नहीं भाई है। भाई है? कितना बड़ा है? ये खाना हाँ ये है। यहाँ क्या आपको लगता है बस मिल जाएगी? अब देखते हैं, जब मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो बैठेंगे किसी तरह, रात बिरात में चलेंगे, चलना तो कुछ थोड़ी समस्या में घर जाना जाएंगे ही आप? हाँ जाना है थोड़ा ज्यादा। यहाँ रह नहीं सकते अभी? अभी उन्होंने कहा 21 दिन तक घर में रहिए। नहीं रह पाएंगे अभी, नहीं रह पाएंगे। यहाँ खाना वगैरह तो कमरे पे वहाँ मिलता है, नहीं जहाँ रहें तो वहाँ कोई दे नहीं रहा। कितने साल से हैं आप दिल्ली में? यहाँ 13 साल हो गया। 13 साल है तो कुछ दोस्त होंगे ना यहाँ पे आपके? हैंगे मगर इस वक्त कोई नहीं दिखाई देता है। गाड़ी हमारी तो गाड़ी हा? गाड़ी हमारी बस गाड़ी है ना। क्या आपको लगता है क्यों लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं जब बीमारी हिलना नहीं चल रहा। लेकिन बीमारी में तो कहा है कि घर रहे हैं लोग, तो इस वजह से तो हिले। रोजगार बंद है, फैक्ट्री बंद है, क्या करें, मजबूरी है। अपने बीवी बच्चों में रहेंगे अगर भूखा भी रहेगा आदमी, इस वजह से जा रहे हैं। जी कितने लोग अभी जा चुके हैं यहाँ से? बहुत पब्लिक चली गई जी, बहुत पब्लिक। कितनी होगी अंदाजा तो लगा नहीं सकते, 200-150 आदमी भी गए बस में। ये तो अब मुख्यमंत्री जी ने कर दिया आदेश, चलो जी जहाँ जहाँ अपनी अपनी सवारी अपने अपने घर पहुँच जाओ, इस वजह से तो नहीं तो सब रुके हुए, सब भूखे मर रहे जी। हरदोई के क्या काम करते थे? हम यहाँ डोसा पेस्ट का काम करते थे। डोसा पेस्ट का जी। तो आपके पास तो कुछ पैसा होगा ना, 21 दिन रह सकते थे? हम रह सकते थे मगर जिसके पास मैं नौकरी कर रहा हूँ तो उन लोगों ने बोला कि अपने अपने घर जा सकते हो, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो आप सबको खिला सकूं। तो 4-5 दिन देख लिया तो आज जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम था, क्योंकि सुनने को मिला था आज के बाद जो भी बाहर निकलेगा उसे डंडा लाठी से पीटा जाएगा, तो अपने अंदर घर के अंदर रहो। तो कहाँ तक अंदर रह सकते हैं? उनका भी परिवार अपने साथ रख रहे थे हम लोगों को, तो कितना उनके साथ रह सकते हैं हम लोग? पानी खाना भैया, ये पानी वाले खाने वाले भैया। क्या आपको लगता है कितने लोग गए होंगे? कल बहुत लोग थे जी, कल बहुत लोग थे, बहुत गाड़ी गई है जी। कल हमने वहाँ बाईपास करा था जी, कल बाईपास हमने बहुत लोगों को खाना दिया, काफी लोग थे। मोदी जी ने ज्यादा करा कुछ कराई नहीं अपनी तरफ से, कुछ कराई नहीं उन्होंने। तो सहारनपुर से आए थे, फिर वहाँ कौशाम्बी चले गए, वहाँ सवारी नहीं मिली, फिर यहाँ आए। अच्छा तो अभी क्या आगे लेके जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे, ले जा रहे हैं लखनऊ। हाँ कितने रुपए ले रहे हैं उनकी है? सर ले जाने के भाई, हमारी बात तो 850 रुपए है। 850 हाँ। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अभी लोग इंतजार कर रहे हैं बसों का, हजारों की संख्या में ये लोग सुबह थे, लेकिन क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ दिखाई दें, इसलिए पुलिस ने जोर दगावा कर इनको अलग अलग जगहों पर भेज दिया है। लाखों की तादाद में भारतीय नागरिक इस समय सड़क पर हैं, इस तरह का नज़ारा हमने आपने किसी ने कभी नहीं देखा है। ये सारे लोग घर जाना चाहते हैं और सरकारें इन्हें लॉकडाउन में कैद करना चाहती हैं और इन्हें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हर एक आदमी, हर एक शख्स एक कहानी कह रहा है, वे बता रहा है कि किस लिए वो लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है 4 दिन से जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, तब तक सरकार ने कोई इनको आश्वासन खाली दिया, कुछ भी इनके पास नहीं पहुंचा है। इन्हें इस शहर में, जिस शहर को ये बनाते हैं, उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अगर ये मरें भी तो अपने गाँव की मिट्टी में ही, ताकि कंधा देने के लिए 4 हाथ 4 लोग तो हों। Thank you.